अरे डोलू मास्टर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया सुपरमैन। हम अभी एंग्री मैन है। भैया किसी का फोन आया लैंडलाइन पे। किसका फोन आया? हम बताते हैं, टैक्सी वाले का है। आप लोग गोवा जा रहे हैं ना, हमें यहाँ अकेला छोड़कर। ओह माय गॉड, मैंने तो अब तक पैकिंग भी शुरू नहीं की है, फ्लाइट में टाइम ही कितना बचा है। मैं डोलू सुपरमैन। अभी तुम्हारे स्कूल फिर से शुरू हो गए ना, छुट्टियां खत्म। अब जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारे हॉलीडेज होंगे ना, फिर हम लोग सब मिलके गोवा जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। आप लोग हनीमून के लिए जा रहे हो ना? गुंजन दीदी, आपको याद है कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप और हम हनीमून पर जाएंगे? तो फिर महंगे कहाँ से टपक पड़े? सो सॉरी, लेकिन अब मैं क्या करूं? अच्छा, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जैसे ही मैं वापस आऊंगी ना, तब तुम और मैं कहीं और जाएंगे, गोवा से भी बेटर जगह। प्रॉमिस? यस, पक्का प्रॉमिस। फिर तो हम दोनों साथ हो जाएंगे, फिर नो मयंक भैया। मयंक बेटा, हाँ माँ। बेटा तुम लोग गोवा जा रहे हो और माँ को बताना जरूरी भी नहीं समझा? हाँ बेटा, माँ की जरूरत क्या है अब? अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सब कुछ बहुत जल्दी में डिसाइड हुआ, और इनफैक्ट बात ये है कि ये कुंचन के लिए सरप्राइज था। सरप्राइज गुंजन के लिए था, हमारे लिए तो नहीं ना, हमें तो बता सकते थे। मयंक, ठीक है ना? जरा दरअसल बात ये थी कि मयंक प्लीज जल्दी हो, मैं गिर जाऊंगी। एक सेकंड मां, मैं एक मिनट। अरे अरे, आराम से आराम से, तुम पहले नीचे उतरो, उतरो नीचे, उतरो। वेरी गुड। तुम भी ना तो मां। हाँ आप? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। दयाल घर पे हैं कि नहीं? जी जी, आइए। अच्छा। बैठो बैठो यार, इतने दिन बाद। और सुनाओ दयाल, कैसे हो? बस, सब ईश्वर की कृपा है। हम चाय लेकर आते हैं, रुकिए मम्मी, हम लेकर आते हैं चाय। जी भाई तलवार, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, इससे पहले कि हम भूल जाएं। देखो, इतने कम समय में तुमने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे दोस्ती में भला शुक्रिया की क्या जरूरत? और हमारी दोस्ती कोई आज की तो है नहीं यार। दयाल, बस एक रिक्वेस्ट है, ये जो पैसा है ना, इसको समय पे वापस कर देना। वो क्या है कि मैंने मार्केट से उठा के तुम्हारा ऑर्डर पूरा किया है, और अगर वक्त में कारीगरों को पैसे नहीं मिले ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। तलवार, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, 60 दिन बाद सारा का सारा पैसा तुम्हारे इन हाथों में होगा। अरे भाई, तुमने इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया, हमारा इतना फर्ज तो बनता ही। मुझे पूरा भरोसा था दयाल तुम यही कहोगे। अंकल, आपकी चाय। बेटा, अगर माइंड ना करो तो एक बात बोलूं, मैं चाय में चीनी नहीं लेता। अंकल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमने तो इसमें चीनी डाली नहीं है, वहाँ अलग से रखी, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अरे क्या बात है। बेटा, तुम सुंदर और सुशील होने के साथ साथ समझदार भी हो। वो क्या है ना दयाल, की आजकल की जो जनरेशन है वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती है। चलो, इनके चलते हो सकता है जमाना भी बदल जाए। आए, 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 अरे देख कर आना, कहाँ रह गई बहू रानी? जा, ठीक है, देख कर आते। आ, 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 आ,
गुंजन जल्दी चलो हमारे साथ। पता नहीं क्यों लेकिन सीमा दीदी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरे क्या हुआ? पता नहीं, चलो हमारे साथ। हाँ चलिए। आंटी जी, अरे बेटा तुम आ गई, जाओ जाओ नहीं तो तुम्हारी पैकिंग रह जाएगी। क्या हुआ? अरे बेटा कुछ नहीं, बस थोड़े से बीमार है। अरे संगीता, क्यों बेकार में बुला लाई उसे? अरे क्यों उनका प्रोग्राम खराब कर रही हो? जाओ बेटा जाओ तुम। अरे आंटी जी ऐसे कैसे जा सकते हैं? चलो गुंजन टैक्सी आके। अरे माँ क्या हुआ आपको? आप ठीक तो? नहीं बेटा बस थोड़ी सी खराब है। अरे तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारी मम्मी कभी कुछ बताती कहाँ है? देखो ना सुबह से बुखार हो रहा है, दो बार उल्टियाँ हो चुकी है। क्या माँ आप बिना अपना ध्यान नहीं रखती, ऐसे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाला, हम लोग नहीं जा रहे। एब्सोल्युटली, जब तक डॉक्टर नहीं आता इनको चेक नहीं करता हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा तुम जाओ, क्यों बेकार में अपना प्लान चौपट कर रही हो तुम? हम देख लेंगे। तो नहीं आंटी जी, सीमा ठीक कह रही है, तुम लोग जाओ, हम सब है ना, हम संभाल लेंगे यहाँ पे। मैम शादी की दौड़ धूप में ना सीमा थोड़ी सी थक गई, उसी का असर निकल रहा है। अरे चलो भाई प्लेन निकल जाएगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? बीमार है। ओहो, क्यों कोई व्रत रखा है क्या? नहीं तबीयत खराब है हमारी यहाँ। मैं चलो जल्दी वरना प्लेन निकल जाएगा, हम देख लेते, चिंता मत करो। चल। जाओ बेटा। चलो गुंजन जल्दी। प्लीज ध्यान रखना। हमारे सीमा किसी चीज की जरूरत है? नहीं दीदी हम अभी आए। हे भगवान, प्लान चपट कर दिया। जी ख्याल रखना अपना, आपको भी आराम की जरूरत है। ओके तुम भी अपना ध्यान रख, ध्यान रखना इसका। आंटी जी आप भी अपना ख्याल रखना, दवाई एकदम टाइम पर लेना। ओके मैं आपको फोन करती रहूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय रचना। बाय। संगीता हमें जरा कमरे तक छोड़ दो ना। शैल जी हम भी मीटिंग के लिए निकलते, 9 बजे तक दुकान पर वापस लौटना, ऑर्डर आने वाला है। ठीक। हाँ जी हाँ, अरे हम बोल रहे हम। आप? हाँ हाँ आप कहाँ हैं? अच्छा अच्छा सुनिए, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, जरा संभल कर आइएगा। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? देखिए ना दीदी कितनी तेज बारिश हो रही है, यहाँ की सड़कों पर पानी भर जाता है और कितने गड्ढे हैं यहाँ पर, कहीं गाड़ी फंस गई तो हमें बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो आ जाएंगे। हेलो जी बोलिए। हमारे पापा इस वक्त घर पे नहीं है, एक काम कीजिए आप 5 मिनट रुकिए, हम उससे पूछ लेते फिर आपको बता देंगे। जी
हाँ रचना बेटा बोलो। पापा वो अंकल का ऑर्डर आ गया, हम क्या कहें? इतनी जल्दी आ गया? जी उन्होंने तो हमसे कहा था कि 9 बजे तक आएगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, प्रभु और गोपाल चाचा से कहकर सारा सामान जो है वो दुकान में रखवा दो। एक बेटा, इतनी बारिश हो रही है, सारी साड़ियां कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन पापा चाचा जी अभी घर पे नहीं है, वो बारिश की वजह से एयरपोर्ट के रास्ते में फंस गए और उनके आते आते बहुत देर हो जाएगी। बेटा देर तो हमें भी हो जाएगी, अगर हम यहाँ से मीटिंग खत्म करके अभी निकले भी तो 8:30 बजे से पहले दुकान पर नहीं पहुँच सकते। पापा हम रखवा देते, बस दुकान खोलकर रखवाना ही तो है। अरे तुम कैसे बेटा, नहीं नहीं तुम नहीं, फिर रहने देते हैं। या रुको रचना, एक मिनट रुको, हम यहाँ पर किसी से बात करके कुछ बंदोबस्त करते हैं। पापा इतनी छोटी सी बात है, हम कर लेंगे ना, बस आप एक बार हमें समझा दीजिए कि क्या क्या करना है। अच्छा ऐसा है तो फिर ध्यान से हमारी बात सुनो। जी देखो बेटा, जितना भी ऑर्डर है वो ठीक तरीके से गिनना, उसके बाद वो तुम्हें एक रसीद देंगे जिसमें तुम अपने दस्तखत करके ठीक तरीके से लॉकर में बंद कर देना। जी फिर मेन स्विच ऑफ करके दुकान पर ताला लगाकर ही घर जाना। समझ गई मेरी बात रचना? मेरी बात समझ गई ठीक से? जी पापा हम रखते हैं। ठीक है अपना ध्यान रखना। रचना बेटा बहुत बारिश हो रही है, तुम अकेले कैसे जाओगे? हम भी चले तुम्हारे साथ? नहीं नहीं मम्मी हम चले जाएंगे, पक्का ना? हाँ मम्मी पक्का, संभल कर जाना। हाँ अच्छा चलो तुम्हें छाता देते हैं, आओ। अंकल मेन बाजार चलेंगे? ऑर्डर है वो ठीक तरीके से गिनना। उसके बाद वो तुम्हें एक रसीद देंगे जिसमें तुम अपने दस्तखत करके ठीक तरीके से लॉकर में बंद कर देना। हाँ मम्मी, बेटा वहां काम हो गया कि नहीं? जी मम्मी। चलो अच्छा है, ताला ठीक से बंद करके आना, हम बस यहाँ से निकल ही रहे, बारिश भी बंद होगी तो हम पहुंच जाएंगे। चलिए फिर मेन स्विच ऑफ करके दुकान पर ताला लगाकर ही घर जाना। अरे पापा आप आ गए, आपको पता है हमने दुकान में सारा माल रखवा दिया। शाबाश बेटा। अरे भाई हमारी बेटी किसी बेटे से कम थोड़ी ना है।
जी हाँ, बोल रहे हैं, कहिए। बोलिए ना, क्या हुआ? हेलो, कौन? हम उनकी पत्नी बोल रहे हैं। क्या नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे भाभी, क्या हुआ है? हमारी दुकान में कल में आग लग गई। सब कुछ जल गया। भाई साहब, खत्म।